हे गाइस, वेलकम बैक। एक्चुअली ये मेरा चैनल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्यू करने का, बट स्टिल ये मैंने मेरे चैनल के वीडियो शूट करने के लिए परचेस किया है कैमरा। तो मैंने सोचा कि मत ये वीडियो मैं मतलब ब्लॉग कवर करके अपलोड कर दूँ, ताकि जो बिगिनर्स रहेंगे जिनका नया नया चैनल है यूट्यूब पे और जो अपना चैनल खुद स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी। सो लेट मी कवर क्विकली। ये जो कैमरा मैंने मंगाया है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, ये DSLR नहीं है, ये पॉइंट एंड शूट कैमरा है जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी मतलब यूज़फुल होता है। और जो मतलब इसका मेन बेनिफिट है, ये आपके बजट में आता है। नो ऑफेंस, बट जिनका बजट कम है उनके लिए मैं भी मतलब सजेस्ट करना चाहता हूँ। सो मैंने ये जो कैमरा मंगाया है, ये सोनी का है। इसका जो मॉडल है आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने। 20.1 मेगापिक्सल का कैमरा है, सोनी DHC-H300। मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है इस पर, सी आप देख रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी बेहतर कैमरा है। सुपर एकदम बजट में, लाइट वेट, थोड़ा सा हेवी है, बट आई आई कैन नॉट से हेवी, इट इज़ स्टिल लाइट वेट एंड ईजी टू कैरी, कॉम्पैक्ट कैमरा है। इसमें 3 इंच का एक LCD पैनल भी दिया है इन्होंने, जो आप फोटोज़ या वीडियो शूट करते हो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। बट इसका एक ड्रॉबैक है, ये फिक्स है स्क्रीन, आप इसको मतलब मूव नहीं कर सकते, ये फोल्डेबल या फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसका एक ये ड्रॉबैक है, जो बाकी निकॉन या फिर आप किसी कैनन में जाते हो तो आपको एक एडिशनल कन्वीनियंस मिलता है कि आप ये स्क्रीन आप ये रोटेट कर सकते हो, मूव लेफ्ट राइट या फिर अप एंड डाउन। दूसरा इसका एक बेनिफिट है, इसमें जो ये टोटल बिल्ड क्वालिटी है इसका कैमरा का, ये काफ़ी मतलब सुपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक ग्लॉसी यहाँ पे मेटल स्ट्रिप दिया है यहाँ पे, जो कि इसको कैमरा को प्रीमियम लुक ऐड करती है। इसमें यहाँ पे आपको एक कैमरा का जो लेंस है उसको एडजस्ट कर, जूम इन और जूम आउट करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया उन्होंने ऑपरेट करने के लिए। अगर आप लेफ्ट में सॉरी हाँ लेफ्ट में मूव करते हो तो ये आपका ऑपरेट होगा लेफ्ट या राइट में, यहाँ पे उन्होंने दिया है T&W में, इन्होंने ये किया T इज़ फॉर जूम जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने प्री सेट कुछ फंक्शन दिए, आप देख सकते हो, ये बटन भी काफ़ी इम्प्रूव क्वालिटी का है। जब आप इसको मूव करते हो तो आपको फील होता है कि ये काफ़ी मतलब सुपर क्वालिटी के बटन फिटिंग्स है सारे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ प्री सेट मोड्स है यहाँ पे, ये जो स्कैन देन इसमें मैनुअल मोड है, मूवी मोड है, पैनोरामा मोड है, और ये यहाँ पे ऑटो मोड है इसका, ये वाला ऑटो मोड है। यहाँ पे ऑन ऑफ फीचर दिया उन्होंने बंद कर, और इसमें फ्लैश भी है, या अभी बंद है, आपको अगर कभी फ्लैश की ज़रूरत पड़े तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ्लैश है इसका, सोनी का ब्रांडिंग है यहाँ पे। इसके बाकी के जो मतलब कैमरा ऑन करने से पहले मैं आपको एक जस्ट एक क्विक बताना चाहूँगा कि इसके साथ में क्या क्या फ्लिपकार्ट ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री और कंपनी ने क्या क्या इंक्लूड किया बॉक्स में विद इन कैमरा प्राइस। इसमें कोई एडिशनल कॉस्टिंग नहीं था। मैंने जब ये कैमरा मंगाया था ऑनलाइन तो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि इसके साथ कुछ और भी मिलेगा मुझे, बट सरप्राइजिंगली मुझे कुछ और भी मिला है। आप ये देख रहे हो, एक्चुअली ये अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं, इसलिए मैंने ऑलरेडी सब यहाँ पे ऑलरेडी फिटिंग्स करके रखा है, क्योंकि ऑनलाइन मंगाया था तो मतलब मैं एक्चुअली सॉरी टू से बट ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कुरियर पर्सन या फिर कहीं और से भी कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। तो बेटर टू यू नो फर्स्ट चेक बिफोर यू नो यू एक्सपेक्ट एक्सेप्टिंग डिलीवरीज। तो ये कैप है सोनी का, ओरिजिनल कैप है, लेंस कैप, जो आपको लेंस प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ये एक्चुअली कंपनी ने दिया है कॉम्प्लीमेंट्री आपको कैमरा के साथ में, कोई एडिशनल कॉस्टिंग नहीं है, पैकेज भी इंक्लूडिंग है। इसके साथ में आपको एक लेस दिया है, आप इसको टाई कर सकते हो इसके साथ में। देन उसके बाद में ये सोनी का ब्रांडिंग वाला स्ट्रैप मिला है मुझे कैमरा का, ये भी पैकेज में इंक्लूड था, कोई एडिशनल इसका चार्ज नहीं है। इसको आप यहाँ पे प्लेस फिक्स कर सकते हो, नॉर्मल है, कोई इसका ये नहीं है मैनुअल प्रोसेस है इसका। देन उसके बाद में जो और मिला है, ये सोनी का कैरी केस मिला है मुझे, ओरिजिनल सोनी का है, एकदम प्रीमियम नहीं बोल सकता बट बेटर क्वालिटी। आई मीन व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट विद इन द कैमरा प्राइस, अच्छी अच्छी क्वालिटी का है ये। अंदर कुशनिंग भी दे इन्होंने, लेंस वगैरह स्क्रैचेस ना आने के लिए कैमरा बॉडी पे। यहाँ पे एक कंपार्टमेंट भी है, इसके साथ में आपको एक ये USB केबल भी मिलता है, जो आपके कैमराज के फ़ोटोज़ है आप इसको कैमरा से आपके लैपटॉप PC या फिर आपके कोई अदर TV डिवाइसेस है उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। क्यों ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें कोई वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है, लाइक ब्लूटूथ इंफ्रा या फिर वाईफाई। ये बेसिक कैमरा है, पॉइंट एंड शूट कैमरा, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा।
ये ब्रांडेड है और शॉर्ट सर्किट से भी बचत बचाएगा आपका, अगर पावर कंजम्पशन से कुछ इशू होता है तो। काफ़ी मतलब इम्प्रूव क्वालिटी का है केबल ये। और ये बैग दिया है उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे दो सेक्शंस है अंदर, यहाँ पे एक्सेसरीज और यहाँ पे मेन कैमरा आप रख सकते हो। और एक उन्होंने एडिशनल पॉकेट दिया है, यहाँ पे आपके बैटरीज, मेमोरी कार्ड्स, छोटे मोटे एक्सेसरीज यहाँ पे रख सकते हो। ये भी जो बैटरीज थे ये एक्चुअली रिचार्जेबल नहीं है, ये सोनी के बैटरीज है जो कैमरा के साथ में मिले हैं मुझे। ये वन टाइम आप यूज़ करके इसको आप यूज़ एंड थ्रो कर सकते हो, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते आप। और सोनी ऑल्टिमा ये मतलब पैकेज में इंक्लूड था, तो अब ये एक्सपायर हो चुके हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, बट सेल मैंने रखे हैं। और मिला है मुझे कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ में ये चार्जर, जो वायरलेस चार्जर है, सॉरी वायरलेस नहीं है, ये AA+ AAA साइज़ का जो आपका सेल होता है, बैटरी होता है, इसको आप इसमें चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने दिया है साइकिल एनर्जी NIMH बैटरी चार्जर AA और AAA साइज़, तो एक साथ आप इसको एक पेयर AAA का और एक पेयर AA का कर सकते हो, या फिर चारों AAA साइज़ और A साइज़ के आप इसमें एक साथ में इसको चार्ज कर सकते हो आप। ये ब्रांडेड है, अगर आप इसका मार्केट प्राइस देखोगे, अगर आप इसको एडिशनल परचेस करोगे तो ये 668 रुपीज़ का आपका अलग से चार्जर ही पड़ेगा, जो कि फ्लिपकार्ट से जब मैंने मंगाया तो मे बी रीसेलर और कंपनी ने मुझे फ्री में दिया है, आई एम नॉट श्योर किसने फ्री में दिया है, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज में इंक्लूड था, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं गया था जब मैंने ऑर्डर किया था। तो सरप्राइजिंगली मुझे ये मिल चुका है यहाँ पे। अब इसको चार्जर है, रेडियो के बैटरी मतलब जो ये साइज़ के बैटरी जहाँ पे भी बैठते हैं ना वहाँ पे सब आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ एक साल आपको वारंटी भी है, जो आपका जो कैमरा का बिल है उसी में ये कवर हो जाएगा। ये है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और मुझे मिला है ये, सॉरी मैंने अभी बैटरीज निकाल के कैमरा में डाल दिया है, तो टोटल 2000 mAh के ये प्री चार्ज बैटरीज है जो रिचार्जेबल है, मेड इन जापान, 1000 × रिचार्जेबल, 1900 mAh के बैटरीज है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो आपके कैमरा में। ये भी मेंशन नहीं था जब मैंने कैमरा ऑर्डर किया था, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है चार्जर प्लस 10। जो मतलब डिस्क्रिप्शन था ओवरऑल इसका कैमरा का, उसमें लिखा गया था कि कैरी करने का बैग, दो सॉरी एक बैटरीज का सेट, डेटा केबल एंड कैमरा मेन यूनिट, इतना ही लिखा गया था, बट ये एडिशनल बैटरी चार प्लस चार्जर ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला मुझे ऑर्डर के साथ में। इसका भी एक साल का वारंटी है, और इसका जो मार्केट प्राइस है रिटेल में आप अगर परचेस करोगे तो 1050 रुपीज़ का आपको मिलेगा ये ऑनलाइन या फिर किसी भी लोकल स्टोर में। अभी ऑनलाइन में कोई ऑफर में भी आप ले सकते हो उसको, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। उसके बाद साथ एक बॉक्स है जो मेन यूनिट था, इसका 2 साल का इंडियन वारंटी आता है जो कंपनी आपको देगी। आप जहाँ से परचेस करोगे उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कंपनी कस्टमर केयर या सर्विस सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हो। DSC H300 मॉडल है, और एक इसमें साथ में जो मिला है मुझे कंपनी के साथ पैकेज में 8 GB का मेमोरी कार्ड, जो क्लास 4 का है, विच इज़ यू नो लाइक बेसिक मेमोरी कार्ड है, बट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, आप इसका अच्छा यूज़ कर सकते हो मेमोरी कार्ड का। बाद में जो आपके डूज एंड डोंट्स के बुकलेट्स, इसमें सारा आपका कैमरे के सेटिंग्स रहेंगे, क्या क्या करना है आपको, क्या क्या सेट कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेजेस में, इतना बड़ा बुकलेट है। देन ये और डूज एंड डोंट्स के है इंफॉर्मेशन कंपनी, वारंटी कार्ड अगर कुछ होता है कैमरा को अनफॉर्चुनेट, या फिर कुछ रिपेयर के लिए जाता है तो उसमें से कूपन से विद इन वारंटी आप इतने क्लेम कर सकते हो। और दैट्स इट, नीचे तो बॉक्सेस दिए हुए खाली और कुछ नहीं इसके अंदर, ये बॉक्स है। इसके साथ आपको एडिशनल एक्सेसरीज परचेस करना, तो यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये वाले आपका सोनी का अलग से कैरी केस भी आप ले सकते हो, जिसका मॉडल आईडी है LCS U11, बाद में VTR R100, ये ट्राईपॉड है जो मतलब प्रीमियम क्वालिटी का सोनी का, इसका कॉस्टिंग आई थिंक 3000 or 3500 rupees है, आप सोनी के साइट पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है। ये ऑप्शनल एक्सेसरीज है, ये पैकेज के साथ में नहीं है, पैकेज में इंक्लूड नहीं है। ये कैमरा है इसका जो मैंने परचेस किया, इसमें कलर दिया उन्होंने ब्लैक, नॉयर ब्लैक, और बेसिक इन्फॉर्मेशन इसका कैमरा का जो भी आप ये करते हो मैक वगैरह,
वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है सप्लाइड एक्सेसरीज क्या क्या है उसमें, डेडिकेटेड यूएसबी केबल जो मैंने दिखाया आपको ये वाला है, देन शोल्डर स्ट्रैप जो सोनी ब्रांडिंग का आता है ये वाला जो कैमरा में ने इंस्टॉल किया है, ये शोल्डर स्ट्रैप है, ये कैरी पाउच का और इसका अलग अलग आता है शोल्डर स्ट्रैप। देन उसके बाद में लेंस कैप जो सोनी का ओरिजिनल आता है, आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे है ये। देन उसके बाद में आता है लेंस कैप स्ट्रैप जो दिखाया मैंने आपको, उसको अटैच्ड है इस LR6 साइज़ के AA अल्कलाइन बैटरीज जो अभी डेड हो चुके हैं। और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, मैंने पूरे मतलब ऑलमोस्ट 8 GB के मेमोरी फुल होने तक क्लिक्स किए थे फोटोग्राफ्स, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस था, लेकिन वन टाइम यूज़ का ही है। फिर लेट्स मूव टू एक्चुअल कैमरा नाउ, इसमें मतलब क्या क्या है कैमरा के फीचर्स मैं बेसिक बताऊंगा आपको, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज शेयर नहीं करूंगा। तो ये एक्चुअल यूनिट है कैमरा का, यहाँ से आप इसको माउंट कर सकते हो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कंपनी इन्फॉर्मेशन, वारंटी की डिटेल्स है यहाँ पे। ये मतलब एक्चुअली आपका बैटरी यूनिट है, इसमें मेमोरी कार्ड और बैटरी आप प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है, आप इसको अनलॉक करके पुश करिए। यहाँ पे बैटरी कैसे प्लेस करनी है, फर्स्ट प्लस माइनस इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये जो फ्री बैटरीज है कॉम्प्लीमेंट जो आए थे ये वाले, ये टोटल 1900 mAh का टोटल साइज है इसका, साइकिल एनर्जी सोनी के है ओरिजिनल रिचार्जेबल, 4 यूनिट्स दिए टोटल इन्होंने। तो इसके कैमरा के अंदर ही इंस्ट्रक्शन दिए इन्होंने प्लस या माइनस कैसे प्लेस करना है आपको, तो माइनस में है। यहाँ पे आपका डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट है, ये इसके साथ फ्री आया है सोनी का 8 GB, ऑटो फोकस नहीं पर आई है कैमरा, ये 8 GB का है, क्लास फोर है, अगर आप देख नहीं पा रहे उसके लिए हम सो सॉरी, ये आप फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा, सोनी का है, अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट्री 8 GB, रीड राइट स्पीड भी मतलब ठीक है, ठीक ठाक ही है। इसको आपको प्लेस करना है, देन आप इसको लॉक कर सकते हो। ये एक्चुअल लेंस है कैमरा का, इस पर आप देख सकते हो इसका जो एक्चुअल जूम है कैमरा का 35x ऑप्टिकल जूम है, और ये कुछ लेंस का यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, सोनी लेंस सोनी ब्रांडिंग के साथ में है। लेट्स क्विकली स्विच ऑन द कैमरा, यहाँ पे क्लिक करना है, आप देख रहे हो ऑन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, अब ये स्क्रीन ऑन हो चुका है, इस पर आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो आई ई, ये अभी ऑटो मोड पे है, ट्रैकिंग फोकस दिख रहा है आपको यहाँ पे, देन आपने यहाँ पे दूसरा किया प्रोग्राम ऑटो प्रोग्राम पे भी आप जा सकते हो एडजस्टेबल पे, यहाँ पे आपका लेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे मैनुअल मोड है, आप जैसे DSLR में मोड सेट करते हो मैनुअल मोड है, ये DSLR से काफ़ी मतलब डिफरेंट है, DSLR इज़ अनदर वर्ल्ड, ये ऑटो शूट एंड मतलब ये कुछ अलग ही इसमें आता है, ऑप्टिकल स्टेडी शॉट आप इसमें से ले सकते हो 35x जूम के साथ में, काफ़ी मतलब बेहतर क्वालिटी का इम्प्रूव क्वालिटी का जूम है इसमें। इसमें मूवी मोड भी है, डेडिकेटेड बटन दिया इन्होंने मूवी के लिए, देन उसके बाद में यहाँ पे आप जो क्लिक्स करोगे या वीडियो शूट करोगे यहाँ से आप ये क्लिक करके देख सकते हो, लाइक दस देख रहे हो आप यहाँ पे, इन्होंने डेडिकेटेड डिलीट बटन भी दिया है, अगर आपको कुछ इरेज करना है, ट्रैश बटन है यहाँ पे डेडिकेटेड, ये फ्लैश का है, स्माइली डिटेक्शन का, डिस्प्ले का सेटिंग्स, डायरेक्ट उन्होंने शॉर्टकट्स दिए इनके, और ये आपका कैमरा ये जूम इन होगा राइट में करोगे तो, और ये जूम आउट WNT इंस्ट्रक्शन के साथ में है। 720 का आप इसको रेजोल्यूशन मैक्सिमम दे पाओगे वीडियोज़ के लिए, फ़ोटोज़ के लिए आप अपना कैमरा सेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली आपको कैसी क्वालिटी चाहिए, और ओवरऑल मतलब बजट कैमरा है, काफ़ी मतलब बेहतर कैमरा है, 35x ऑप्टिकल जूम के साथ में दिया इन्होंने। बस गाइस इतना ही, इसमें आपका लेंस ऑटो डिटेक्शन के लिए लेंस भी, अगर आप नाइट मोड में फ़ोटोज़ खींच रहे हो तो आपको ये ऑब्जेक्ट पे फोकस करने में हेल्प करेगा, रेड कलर का रिया था उसमें, और काफ़ी ये लेदर नहीं है, लुक अलाइक प्लास्टिक बिल्ट है, बट गुड गुड आई मीन गुड ग्रिप के साथ में इसका, यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा कवर किया पोर्शन, और ये जो सेंट्रल उन्होंने बटन दिया है इसको आप कैमरा फोटो शूट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, नीचे प्रेस करना है आपको, इसको सेलेक्ट करके प्री सेट करके कर सकते हो, वन टच में ये ऑफ भी हो जाता है। दैट्स ऑल।
थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ फीडबैक सजेशंस कुछ देना है, कुछ क्वेरीज है आपको, अगर आप भी परचेस करने का प्लान कर रहे हो, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर ऑल क्वेरीज। ये एक्चुअली क्वाइट आउटडेटेड मॉडल है, 2013 मिड में लॉन्च हुआ था सोनी ने, बट स्टिल इट इज़ ऑन गोइंग, अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। अभी भी कंपनी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, यहाँ पे उन्होंने AV का स्लॉट दिया, सॉरी ये मैं भूल गया था आपको बोलना। ये चार्जिंग पोर्ट नहीं है, ये आपको PC के साथ कनेक्ट करने के लिए, TV के साथ कनेक्ट करने के लिए है USB केबल। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट अपडेट।